हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। 50 लाख रुपया इन्होंने जेबी और संजय नगर के नालों के ऊपर खर्चा किया, गटरों पे, कि पूरा गटर का पानी समझ लो नल में आ रहा है। रूपाली गोटे ने मेरे को बोली घर पे जाओ, किसी के घर में नहीं आने का ऐसा कोरोना काल में। इस नाले की पर्दी देखो, इस नाले में पर्दी नहीं है। क्या काम किया है ये लोग ने? गटर का पानी जैसा आता है वैसा काला काला पानी आ रहा है। सिर्फ खोद कर गए हैं, काम अभी तक क्या है वो हुआ नहीं है। ये 4 या 5 साल जो हुए, यहाँ के लोग प्रतिनिधि ने क्या किया? यहाँ के 4 नगर सेवक है, मतलब इस एरिया को दिए ले, लेकिन एक भी आता नहीं है यहाँ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के संजय नगर के लोकमान्य तिलक चौक में रहने वाले कई परिवारों के घर इतना गंदा पानी आ रहा है कि पानी पीने की तो दूर की बात है, आप इसे बर्तन कपड़े धोने या फिर टॉयलेट के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तस्वीरों में देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये काले रंग का गंदा पानी नल से बाहर निकल रहा है। शिकायत जब पानी पुरवठा विभाग में इन लोगों ने की तो काम के नाम पर रोड पर सिर्फ गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 नगर सेवकों के होने के बावजूद ये हाल है, इसलिए उन्होंने पानी की समस्या की शिकायत पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत से की है और उन्होंने अपने यहाँ सुधीर भगत को बुलाकर हकीकत भी दिखाई है। गटर नाले भी साफ सफाई नहीं हो रहे हैं और नाले का जो काम हुआ था वो भी घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। पानी की समस्या पर स्थानीय लोग और सुधीर भगत और साथ ही चेतना दीक्षित मैडम ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेखा शर्मा है। क्या यहाँ पर पानी की किस तरह की? पानी का अभी कम से कम 15-20 दिन से ऐसा प्रॉब्लम चालू है कि पूरा गटर का पानी समझ लो नल में आ रहा है। और ऐसे लोगों से अगर ऐसे लोग पानी पिएंगे तो कोरोना से नहीं मरेंगे, लेकिन पानी पी के जरूर मर जाएंगे, क्योंकि उसमें कीड़े आ रहे हैं। कैसा गंदा, कितना गंदा? एकदम पूरा नाले की तरह पानी आ रहा है, गटर का पानी जैसा आता है वैसा काला काला पानी आ रहा है। क्लिप दाखो देना, पूरा नाले का पानी आ रहा है, इस पर भी देख लो आप। कंप्लेंट वगैरह किए थे आप? हमने इसने जब पहली बार मुझे पता चला कि पानी ऐसा गंदा आ रहा है तो मैंने इसको जाके बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या करने का है। तो इसने तुरंत 10-10:30 बजे इसने साहब को फ़ोन लगाया कि बोले देखो ऐसा ऐसा पानी आ रहा है, अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आप ले कुछ तो भी, तो साहब बोले कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो वो तुरंत उन्होंने ये यहाँ पर जो खोदा गया, ये कब खोदा हुई? ये कल खोदा गया। कल खोदा भाई। बनाया क्यों नहीं फिर उसने? अभी कल ही खोदे ना, अभी सोमवार को वापस खोदाई का काम चालू होगा। बड़ा जो इधर पाइप है ना, उनका उन लोगों का कहने का मतलब ये है कि नाले का पानी पाइप में जा रहा है, तो इसलिए खुदाई का काम होने वाला है। तभी वो खुदाई का काम होने के बाद वो लोग बोले मंडे से हम चालू करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम है वो दिखेगा, तो उसके बाद में सोल्यूशन निकालेंगे। क्या कहेंगे मैडम आप इसके मामले? एक्चुअली ये नाले का पानी जब पीने के पानी के टाइम पर जो मिक्स होकर गंदा पानी आ रहा था, तो मेरे पास यहाँ पर इन लोगों ने सब लोगों ने कंप्लेंट की, तो मैंने तुरंत सालूम के साहब को फ़ोन करके उनके जो पाइप लाइन मन था उसको बुलवाया, उसने सब चेक किया, फिर कल आके ये लोग खोद के गए। अब ऐसा है कि ये सिर्फ खोद कर गए हैं, काम अभी तक क्या है वो हुआ नहीं है। और सेकेंडली अब ये खोद के रखा है, खड्डा किया है, इसके लिए भी एक कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि कब से खोद के रखा है, हाँ अभी तक काम नहीं हुआ है। ये होते होते अभी और 8 दिन जाएंगे। अब मेन रास्ते पर ही है, रास्ते पर है चढ़ाने। और एक तो अच्छा, यहाँ पर गटर भी यहाँ देखा जा रहा है, गटर का जो काम हुआ कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन काफी घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कभी भी बैठ सकता है ये गटर? कभी भी, यानी अभी एक साल में, एक साल ही नहीं हुआ है, सिर्फ दिखावा का काम हुआ है। और कुछ दिन पहले हुआ था ये काम, मेरे ख्याल से कुछ 1 साल के अंदर ही हुआ है। ऊपर का पर्दी का काम, खाली पर्दी का अलग है, पर्दी का काम कुछ तोड़ना तो नाला, सिर्फ पर्दी का, नाले का काम नहीं हुआ है, पर्दी का काम हुआ था। तो यह ऊपर वाला जो है ना स्लैपिंग का, उसका वो भी सिर्फ दिखावे का काम हुआ है। अच्छा, इधर जो स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर जो घरों के पास छोटे छोटे नाले हैं, इन लोगों की साफ सफाई भी नहीं हो रही है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। नहीं नहीं, ये तो मैंने, हम लोग हमेशा ही कंप्लेन करते हैं ना, प्रॉपरली मैंने रेगुलर जो प्रशासकीय काम है वो भी नहीं हो रहा है, और साथ में जो बरसात के पहले होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है।
सुधीर भाई, इन लोग के घर में जिस तरह से पानी आ रहा है वो बिल्कुल काला पानी है। उसे ना बर्तन धोने के इस्तेमाल में ले सकते, ना कपड़ा धोने के, किसी काम में वो पानी आ ही नहीं सकता है। कुछ दिनों पहले, तीन चार दिनों से पहले यहाँ पर गंदे पानी का लोगों को सुविधा हो रही थी, जो असुविधा हो रही थी उसके तहत से लोगों ने मुझे तकरार की थी, लेकिन यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता चेतना दीक्षित मैडम, उन्होंने पानी खाते को बोल करके, ये कंप्लेंट करके उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पर ये मसले हैं, इसको हल करना चाहिए। आखिर में मेरे भी कुछ लोग हैं, उन्होंने फ़ोन किया तो कल जाके उस पर आदमी लगा करके हमने काम किया। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आपके पास एक वीडियो है जिसमें देखो पूरा केमिकल यानी काला पानी, लोग ऑलरेडी एक महामारी से जूझ रहे, अब आप उनको क्या ऐसे गंदगी पानी मिला के मार रहे। मुझे एक सवाल है यहाँ पर, एक कि चार या पाँच साल जो हुए यहाँ के लोग प्रतिनिधि ने क्या किया, लोगों को पूछना चाहिए था कि आपकी दिक्कतें क्या है कौन यहाँ पर, कोई वाली है? एक ज़माना था ठाकुरपाड़ा को ऐसा बोला जाता था कि इसका कोई वाली नहीं है, आज संजय नगर की वो हालत है, इसका कोई वाली नहीं है, यानी लावारिस जिसको कहते हैं इसके, उसको वारिस मतलब लावारिस करके रखा है। ये जनता की आवाज़ है, देखो पीछे से आवाज़ आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि इसका वारिस नहीं है, ये हालत हो गई है। पहले एक ज़माना था कि हर दो दिन में तीन दिन में यहाँ पर देख रहे होती थी। अभी आपने एक जिक्र किया नाले का, आप देख सकते हो नाले का, इस आप मैं इस्लामुद्दीन भाई आपको दिखाना चाहता हूँ, इस नाले की पर्दी देखो, इस नाले में पर्दी नहीं है। क्या काम किया है ये लोग ने? और सुनने में आ रही मैडम ने बताया कि आरटीआई की तरफ से मालूम पड़ा है कि 50 लाख रुपया इन्होंने जेपी और संजय नगर के नालों के ऊपर खर्चा किया गटरों पे। इस तरह से खर्चा करते, ये तरीका है? आप लोग सरासर जनता को ऐसे बता रहा है जैसा कि उन्होंने पूरा काम कर दिया है, लेकिन काम हुआ ही नहीं है एरिया में, तो उसका काम का मतलब ही क्या है? तो आप लोग यहाँ के नगर सेवकों से जाके बोलते नहीं कि हमारे हम नहीं जाते हैं? हम नहीं जाते भाई, भाई, जब हमको इतने बड़े लॉकडाउन में उन्होंने हमको देखने नहीं आया तो हम क्या उनको देखे? हम उनको देखने नहीं जाएंगे, उनका फर्ज है, हम जीता के लाए, उनका फर्ज है, हमको पूछने आना मांगता है, हमको क्या तकलीफ है? हम कोरोना से बाद में मरेंगे लेकिन गंदे पानी से पहले मर जाएंगे। रिमॉडलिंग का काम यहाँ पर करोड़ों रुपया लगा के खर्चा किया जा रहा है और लोगों को इस तरीके से पानी पीने का मिल रहा है। ऐसा है, रिमॉडलिंग में आपको भी पता है कि कौन से पुराने पाइप कहाँ कहाँ वापरे गए, ये सब चर्चा चालू है और ये हकीकत है, ये हकीकत है मुमरा के अंदर कि बहुत से पुराने पाइप लीगल काम के अंदर वापरे गए, उन सबको पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संजय नगर में आपको रिमॉडलिंग के पाइप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस तरह से बेहतरीन काम हम लोग ने किया था, हम सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग मिल करके संजय नगर का बहुत अच्छे से विकास किया था। हमने सेंटर के अंदर लाइन डाली थी और दोनों तरफ सब लाइन डाली थी, सिर्फ मेंटेन करना था इनको, मेंटेन भी करने को नहीं होता इनको। अरे 5 साल तुम्हारे हाथ में इतना सुंदर दिया था, मेंटेन करने को नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? अभी आप पानी परोठा विभाग में इसकी शिकायत लेकर जाएंगे? अभी शिकायत कर भी चुके हैं हम लोग, वो लोग बंडे से शायद काम करने वाले हैं, लेकिन आज ये लोग करेंगे क्या? देखो ये चढ़ान का रास्ता है, ऐसे तीन तीन चार चार दिन खोल के रखेंगे तो क्या अवस्था करके रखी है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इनके पास कोई नियोजन नहीं है, शून्य नियोजन बोलते ना, जीरो प्लानिंग के हिसाब से यहाँ के जो नुमाइंदे है वो काम कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है उनके पास, कोई स्पेशल मतलब जैसे दिल में आया वैसे काम किया और निकल गए। खाली बताते कि हम एरिया में आए और हमने जब एरिया में आए इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा काम तुम्हारा हो गया है। अरे आओ तो कुछ करो, करके बताओ तो तुमको दोबारा लाएंगे ना, जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो तुमको एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ के आमदार तक लोगों के घर घर और गली गली तक जा रहे हैं, यानी उस लेवल का आदमी लोगों के संपर्क में जा रहा है। यहाँ के नगर सेवक क्यों चाहते हैं कि लोग उनको मिले? वो नहीं जा सकते क्या एरिया में? जाना चाहिए, उन्होंने झाँक झाँक के देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, लोग हमेशा उठ के उनके पास क्यों जाए? कौन नगर सेवक यहाँ का, कौन है नगर सेवक? यहाँ के चार नगर सेवक है मतलब इस एरिया को दिए ले, लेकिन एक भी आता नहीं है यहाँ पे। चार लोग हैं तो चार में से एक भी नहीं आता है, ना कुछ पूछता है, ना कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं। पब्लिक अपने हालात पे खुद के खुद जी रहे, ले कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहा है। इतना बड़े लॉकडाउन में भी हम लोग ने गटर निकालने के लिए एक बार उसके घर पे गए ना तो बोले कोरोना काल में घर में नहीं आने का बाहर जाओ, ऐसा बोली थी इसने मेरे को। किसने? कुछ खुद ये क्या बोलते हैं इसका नाम, रूपाली गोटे ने मेरे को बोली, मैं नाला साफ करने के लिए उसके पास गई तो क्या बोली
कि नाले का काम ना अभी कोरोना काल के बाद करेंगे, तुम घर पे जाओ, किसी के घर में नहीं आने का ऐसा कोरोना काल में। कितने दिन पहले गए थे आप? अरे अभी 6 महीने की बात है, 6-7 महीने की बात है। बोलो, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलती मैं।